देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कोविड बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सपना बिष्ट। इस वक्त की बड़ी खबर चक्रवर्ती तूफान की है, जिसकी रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। मौसम विभाग के मुताबिक ताउते अगले 24 घंटे में गंभीर और उसके बाद बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होगा। यह 18 मई की दोपहर से शाम के बीच गुजरात के पोरबंदर से होता हुआ पाकिस्तान की ओर रुख करेगा। इस दौरान पोरबंदर और नालिया तट पर इसके भारी तबाही मचाने का आसार है। चक्रवाती तूफान ताउते को देखते हुए गुजरात राज्य में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ गांधीनगर के डिप्टी कमांडेंट रणविजय कुमार सिंह ने बताया, 24 टीमें आज शाम तक अपनी जगह ले लेंगी, जिसमें 13 टीमें बाहर से मंगाई गई हैं। भारतीय वायुसेना ने शनिवार को कहा कि उसने ताउते तूफान से उत्पन्न किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अपने 16 मालवाहक विमान और 18 हेलीकॉप्टर प्रायद्वीपीय भारत में तैयार रखे हैं। वायुसेना ने बताया कि अगले कुछ दिन तटीय इलाकों में कोविड-19 राहत अभियान पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से बाद में इन इलाकों में अभियान प्रभावित हो सकता है। सभी इलाकों में रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। सभी को चेतावनी भी दी गई है हाई अलर्ट रहने की। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी विशेष खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।